हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं भूपेंद्र सिंह और 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी। आज हम बात करने जा रहे हैं सूचना के अधिकार पर, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तीन खास मेहमान। सबसे पहले मेरे साथ में बैठे हुए हैं प्रोफेसर बीपी मैठानी। बीपी मैठानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मैठानी, प्रोफेसर मैठानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। उसके हैदराबाद और गुवाहाटी में जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें डायरेक्टर वो रह चुके हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी मेन उनका फील्ड है, और लंबे अरसे से सूचना के अधिकार पर भी वो काम करते रहे हैं। उत्तराखंड में जो स्टेट गवर्नमेंट का सूचना के अधिकार को लेके जो संगठन है, जो उसके वो मीडिया एडवाइज़र रहे हैं, और साथ ही जो उत्तराखंड के लोगों का एक सिटीज़न फोरम है, आरटीआई क्लब, उसके भी अभी वो चेयरपर्सन हैं। प्रोफेसर मैठानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारे बीच में इसके साथ ही प्रोफेसर जे एस बिष्ट हैं। जे एस बिष्ट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, कुमाऊं यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका मुख्य जो काम है वो पब्लिक लॉ को लेके है, और आज हम आपसे बात करेंगे सूचना के अधिकार पर। इस क्षेत्र में भी आपने काफ़ी काम किया है, तो आपके जो बहुमूल्य विचार हैं उनको हमें जानने का मौका मिलेगा। हमारे साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं गिरिजा पांडे। आप भी लगातार सूचना के अधिकार पर काम करते रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर मैठानी आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं तो सूचना का क्या महत्व है हमारे लोकतंत्र के लिए या हमारे समाज के लिए, और सही सूचना का खास तौर पे। जैसा आपने कहा कि हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक देश है, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र को कहते हैं कि ये जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित होता है। हमारे देश को आज़ादी मिली, उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें जनता के, नागरिकों के कुछ मूल अधिकार हैं। लेकिन अब तक का जो अनुभव रहा काफ़ी वर्षों तक, दो तीन दशकों तक, ये रहा कि जनता का जो है प्रजातंत्र में, जनतंत्र को संचालन करने में उनका कोई रोल नहीं था, किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 2005 में जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम आया है, ये पहली बार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला है जनता को अपने हाथ में, जिससे कि वो देश के कामों में भागीदार बन सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जनता के द्वारा संचालित होती है सरकार, वो टैक्स देते हैं, उसे काम चलता है, और जनता के लिए कार्यक्रम होते हैं, उसमें वो किस तरह से भाग लें, उसके लिए उनके पास कोई फोरम नहीं था। तो पहली बार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला, एक ऐसा औजार मिला नागरिकों को, जिससे वो सरकार को पूछ सकें कि भाई आप किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो जनता का धन आप प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। इसलिए ये सूचना का अधिकार अधिनियम आया है, और उसमें सबसे पहली चीज ये है कि जनता को उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए, जानना चाहिए कि आरटीआई क्या है। तो आरटीआई जब कानून बना तो उत्तराखंड में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए जी, इस विषय में जो खास तौर पर आरटीआई के बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे। उससे पहले मेरा सवाल ये है कि सूचना अगर हमारे समाज में, जनता हमारी है, अगर वो वेल इन्फॉर्म्ड होगी तो वो लोकतंत्र में उसके क्या अधिकार हैं और किस तरह से उनको वो एक्सरसाइज कर सकती सोसाइटी में, ये भी उसको जानकारी होगी। तो मेरा ये कहना था कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसको पास करने की या उस बारे में सोचने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ऐसा है कि जब विकास कार्य हो रहे थे और जब हमारी पंचवर्षीय योजना, कई योजनाएं होती हैं, खास करके ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे इस देश में, उसमें ये देखा गया कि, बल्कि हमारे एक प्रधानमंत्री जी ने ये भी कह दिया था कि जो केंद्र जो 100 रुपया देता है जी, उसमें सिर्फ 15 रुपये जनता तक पहुंचता है। तो वह जो एक समस्या आ रही थी उसकी, इसलिए आ रही थी कि जनता की इसमें भागीदारी नहीं है और जनता बिल्कुल मूक दर्शक है, उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए फिर कुछ लोगों ने, जो गैर राजनीतिक संगठन थे जिनको हम एनजीओज कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने जिसको कहते हैं जन सुनवाई, है ना, जन सुनवाई का कार्यक्रम, खास करके एमकेएसएस, शायद आपने सुना जी, होगा। मुझे याद है कि अरुणा राय और निखिल डे वगैरह इसमें काफी एक्टिव रहते तो थे। उन्होंने राजस्थान में जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया। जन सुनवाई में उन्होंने कहा कि भाई जो इस सरकार से जो पैसा आया है इस पंचायत में या इस ब्लॉक में, इसको किस तरह से, इसका उसको उपयोग हुआ है, उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए।
तो जानकारी लेने के लिए उन्होंने फिर जो अपने दल बनाए उसमें उन्होंने काफी बड़े बड़े लोगों को जो ज्यूडिशियल्स के थे, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, इस तरह के लोगों को बुला करके जन सुनवाई शुरू की। तो जब उससे सरकार का एक्सपोजर होने, जो अधिकारी लोग जो है एक्सपोज होने लगे, तो उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने कहा भाई आप लोग तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप सरकार के डॉक्यूमेंट्स है, हमारे जो अभिलेख है उनको आप कैसे देख सकते हैं, आपको हम क्यों बताएं। तो ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो इस प्रश्न को उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जनता का अधिकार है, इस देश के नागरिक है, ये प्रजातंत्र है, इसको आपको बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ इस तरह का कोई रूल नहीं है। तो तब ये मामला जो है सरकार ही इसको कोर्ट में ले गई और कोर्ट ने कहा कि ये नागरिकों का ये अधिकार है, इसलिए हमको सूचना का अधिकार जो है जनता को देना चाहिए। तो आप जानते ही हैं कि सूचना कहते हैं इन्फॉर्मेशन इज पावर। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जानकारी उनको नहीं मिलेगी, तब तक सरकार पर अंकुश उनका कैसे हो सकता है। जी सही बात है। हम अपनी बातचीत को आगे जारी रखेंगे। इससे पहले मैं एक बार अपने श्रोताओं को याद दिला दूं कि 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी। मैं हूं भूपेंद्र सिंह और मेरे साथ तीन और खास मेहमान हैं, प्रोफेसर एमपी मेठाणी, प्रोफेसर गिरिजा पांडे और प्रोफेसर जेएस बिष्ट। और आज हम चर्चा कर रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी सूचना के अधिकार के बारे में। अब मैं प्रोफेसर जेएस बिष्ट आपके पास आना चाहूंगा और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जो सूचना का अधिकार कानून बना, जैसे कि प्रोफेसर मेठाणी अभी बता रहे थे कि किस तरह से अरुणा राय, निखिल डे या उनका जो संगठन है मजदूर किसान शक्ति संगठन, किस तरह से उसने काम किया इसको आगे, इसको पास करवाने के लिए, किस तरह से लॉबिंग की, किस तरह से एडवोकेसी की, किस तरह से जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स जाते हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश की और किस तरह से एक्ट बना। लेकिन मुझे ये भी याद है कि इसके बनने में भी काफी अड़चने थी, लोग तैयार नहीं थे कि एक्ट बन जाए, सरकार में भी या इस तरह के जो हमारे प्रतिनिधि भी वहां भी। क्या क्या अड़चने आई, क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे आखिरकार ये कानून अपने जो रूप है आज उसका उसमें सामने आया हमारे? इसमें जो है हमारा इस एक्ट का उद्देश्य मुख्य रूप से एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना है, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करना था। और जबकि सरकारी तंत्र गोपनीयता में विश्वास रखता है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जो है किसी भी डिस्क्लोजर के लिए इनकार करता है। डिस्क्लोजर मीन्स जो भी चीजें आज तक पर्दे में है या जो आम पब्लिक से दूर है, उनकी पहुंच तक जानकारी में नहीं है, वो जो है उनके पास आना, यानी सरकार ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन अपने लिए उसको नुकसानदायक या खतरनाक मानता था या चुनौती का आधार मानता था। तो जरूरत थी हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी माने कि जो है प्रत्येक व्यक्ति, समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी हाशिए का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसे जो है इस प्रजातांत्रिक सरकार में पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिले। और वो तभी इसको, वो प्रजातांत्रिक सरकार में और पारदर्शी सरकार में तभी जो है प्रभावशाली रूप से पार्टिसिपेट कर पाएगा जब तथ्यात्मक चीजें उसके पास उपलब्ध होंगी, सारी सूचना उसके पास होंगी, क्योंकि ये सूचना ही वो क्राइटेरिया है जो उसके निर्णय का आधार बनेगा। तो यानी जो है ये आरटीआई एक तरीके से सुनिश्चित कर रही है कि देश का प्रत्येक ग्रामीण या प्रत्येक व्यक्ति जो है डेमोक्रेसी के हर हायरार्की पर अपना सहयोग सुनिश्चित कर सके और देश की गुड गवर्नेंस में भागीदारी कर सके। प्रोफेसर जे एस बिष्ट साहब, आपने बताया कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारा है उसको बनने के लिए और ये हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाता है और हमारे लोकतंत्र में इसकी क्या अहमियत है, इन बातों की तरफ आपने इशारा किया। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो पुराना था अंग्रेजों के जमाने का, और 2005 में हमारे पास ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सामने आता है, लेकिन इसके आने के बाद भी आज भी इसमें कई तरह के फेरबदल करने की कोशिश हो रही है, इसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हो रही है। तो 2005 में जो अचीव किया था हमने, क्या हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उससे ज्यादा हम ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर से हम कहीं लौट के पुरानी दिशा में जाने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? नहीं, इसमें जो है एक जो आम आदमी है या हमारी सरकार है, संसद है या जागरूक मीडिया है, वो जानती है कि जो है इस अधिनियम में किसी प्रकार का संकुचन या आम आदमी के अधिकार को कम करना, ये इसके उद्देश्यों पर कुठाराघात होगा। इसलिए इस पर जो है ये बात नहीं सोचनी है, बल्कि असली बात यह है सूचना का अधिकार, इसका अग्रसारण भारत में हो रहा है और प्रत्येक व्यक्ति जो है ये सूचना का अधिकार की जानकारी उसको मिल रही है और प्रत्येक व्यक्ति या समाज का हर व्यक्ति इससे सशक्त हो रहा है, एम्पावरमेंट की ओर जा रहा है। जी बहुत अच्छा, मैं फिर आपके पास लौट के आऊंगा। इससे पहले मैं प्रोफेसर गिरिजा पांडे हैं, मैं प्रोफेसर गिरिजा पांडे से जानना चाहता हूं कि आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में सूचना के अधिकार को लेकर एक पाठ्यक्रम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपके क्या उद्देश्य है, किस तरह के कोर्स की आप यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं? किसी भी विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने समाज को शिक्षित करना है, उसको एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी बनाना है। जो
भी पाठ्यक्रम कहीं चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, जैसा कि दोनों विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कितनी इसकी प्रासंगिकता है आज के संदर्भ में, और जिस प्रश्न को आप स्वयं बार बार उठा रहे हैं लोकतंत्र के संदर्भ में, चाहे हमारे मानवाधिकार हो, चाहे एक जीवंत लोकतंत्र हो, या यूं कहें कि जो मानवीय मूल्य हैं, समाज का हर व्यक्ति समानता के अधिकार के आधार पर जीता है, उसके पास तमाम मौलिक अधिकार हमारे खुद हमारे संविधान ने हमको दिए हुए, इसमें गवर्नेंस का जो सिस्टम है, प्रशासन का जो प्रणाली है, या कि एक नागरिक होने के नाते, चूंकि हम एक लोकतंत्र हैं, तो इसका मतलब है उस पूरे लोकतंत्र में नागरिक के रूप में कहीं ना कहीं हम उस लोकतंत्र के हिस्से हैं, या हम स्वशासन कर रहे हैं, और स्वशासन करते हुए वो अपने शासन की जानकारी हम इस संविधान प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। माने हम एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में बन रहे हैं, और मानवाधिकारों के रूप में भी यदि हम देखें तो एक मनुष्य होने के नाते मेरा कुछ अधिकार है, मैं उन अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, मुझे उन अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए। ये सब सारे विषय जुड़े, और ये कब हो सकते हैं? ये तब हो सकते हैं कि जब हमें अपने तमाम तरह के अधिकारों की जानकारी हो। अब इसी क्रम में यदि हम सूचना का अधिकार अधिनियम को लेते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से विकसित हो रहा है, अभी भी इसको लेकर के बहुत जानकारियां समाज में नहीं है, खास तौर पे जब बहुत सारे प्रश्न दिखते हैं। मैं आए दिन अखबारों में पढ़ता हूँ कि जो RTI कार्यकर्ता हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, बहुत सारे ऐसे प्रकरण सामने आ गए कि RTI कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं। कई जगह पे दिखता है कि विभाग परेशान रहते हैं, उनको इस तरह की सूचना पूछ दी जाती है कि जो संभवतः इसके भीतर कवर होती है या नहीं होती है, या हम स्वयं में एक नागरिक होने के नाते उहापोह में रहते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे प्रश्नों को डिजाइन किया जाना है। तो बहुत सारी जानकारी, क्योंकि ये कानून है, कानूनी पक्ष हैं, इन सब से समाज को कैसे उसको एक तरह से सशक्त किया जाए, उसके लिए आवश्यक है कि हमारे दैनंदिन पाठ्यक्रमों में, हमारी दैनंदिन चर्चाओं में RTI जैसे विषयों पर विशेषज्ञों की वार्ताएं हों, अध्यापक पढ़ाएं, विश्वविद्यालय, हमारे विद्यालय इस तरह के पाठ्यक्रम संचालित करें। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने एक कदम बढ़ाया है कि RTI पे वो एक पाठ्यक्रम विकसित करे। बहुत अच्छा प्रोफेसर पांडे, तो मैं एक बार फिर से अपने श्रोताओं के पास आपको ले चलता हूं और उनको याद दिलाता हूं कि आज हम बात कर रहे हैं सूचना के अधिकार कानून पर, और हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं, प्रोफेसर BP मैठानी और प्रोफेसर JS बिष्ट और प्रोफेसर गिरिजा पांडे। अब मैं प्रोफेसर मैठानी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इसके तहत हम देखते हैं कि इसने हमारे समाज को सशक्त किया है, एक आम आदमी को इसने ताकत दी है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स आज भी हमारे सामने हैं, जैसे कि एक बड़ा सेक्टर हमारे वहां पर प्राइवेट सेक्टर डेवलप हुआ है 1991 के बाद, जब से प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस यहां पर और तेज हुई है। प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जो पूरे देश को गवर्न करती हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां से चुन के हमारे पार्लियामेंट में जाते हैं और बाकी जो हमारी गवर्निंग बॉडीज हैं वहां तक अपनी बॉडीज में अलग अलग जगहों पे जाते हैं, उनके लिए उस तरह से RTI के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये जो लूप होल्स हैं, इनको लेके आप क्या समझते हैं? इसके सामने कई चैलेंजेस हैं और अभी ये परफेक्ट रूप से डेवलप नहीं हुआ है। जहां तक आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर, तो ये जो कानून है ये बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर के लिए बना है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में पब्लिक का पैसा खर्च होता है, पब्लिक मनी खर्च होता है, और उसमें बहुत पैसा होता है और उसका बड़ा दुरुपयोग होता है, उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है। उसकी शुरुआती जो जैसे हमने कहा कि वो बहुत कम पैसा जनता के पास जाता है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए ये कानून बना है। माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको एक जगह रोकना चाहता हूं। जैसे कि आपने कहा कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी क्षेत्र है या सार्वजनिक क्षेत्र है उसके लिए बना हुआ है, लेकिन आप देखिएगा कि जो हमारा देश है उसमें आज जो प्राइवेट सेक्टर है बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है, और प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट भी अगर हम करते हैं तो वो भी गवर्नमेंट ही करती है, सरकार ही करती है, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट है, लोग काम कर रहे हैं, वहां प्रोडक्शन हो रहा है और देसी विदेशी उनके संपर्क बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या उसको निरंकुश छोड़ देना और उसमें पारदर्शिता का न होना, क्या ये खतरनाक नहीं हो सकता हमारे लोकतंत्र के लिए? ऐसा है, RTI प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू होता है। RTI के जो सेक्शन 2H है उसमें कहा गया है कि ऐसा प्राइवेट सेक्टर, ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां पर पब्लिक मनी आता है, खास करके प्राइवेट सेक्टर में जो PPP मोड में चलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वहां पर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट और पब्लिक का पैसा होता है, सरकार का पैसा लगता है, तो उन पर जो यह लागू होता है, जहां भी पब्लिक मनी लग जाता है, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, चाहे NGO है या कोई कंपनी है, अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें है किसी भी रूप में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस पर जो है लागू होता है। दूसरा,
कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है, तो उसकी जो परमिशन जो है सरकार के किसी विभाग से वो लेता है, उसका प्रोजेक्ट वहां पर आता है, उसमें फिर परमिशन होती है। तो जहां तक वो सारी सूचनाएं जिस विभाग के पास है उसके थ्रू उसके बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं। आरटीआई वहां इनडायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर पे भी लगता है, लेकिन डायरेक्टली जहां पर पब्लिक मनी नहीं जा रहा है उनके लिए अभी तक ये नहीं है। तो दूसरी चीज है कि जो आपने बताया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस पर बहुत बड़ी बहस चल रही है और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। और ये तो यहां तक हो गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज पे जो एक कैबिनेट डिसीजन हो गया था कि जो आरटीआई एक्ट पे इस तरह का अमेंडमेंट लाया जाए जिसमें ये कहा गया है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विच आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट, हाँ, उन पर ये लागू। तो उसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें यह अमेंडमेंट आया था कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अदर देन पॉलिटिकल अदर देन दोज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पब्लिक पार्टिसिपेशन। मिस्टर मेठानी, ये तो बात है कि कहां उलझा हुआ है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और उसमें क्या बहस चल रही है। मैं जो जानना चाह रहा हूं आपसे, हाँ, कोर्ट में क्या होगा, बाहर क्या चल रहा है, वो एक अलग बात है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आप क्या समझते हैं, आपका क्या टेक है कि क्या होना चाहिए। हम तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको तो हमने अभी यहां पर उठाया था, उत्तराखंड में भी लगाया कि भाई पार्टिसिपेशन मतलब इस एक्ट को जो है पॉलिटिकल पार्टीज पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि उसमें इस पर एक डिसीजन आ गया है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने साल भर के जो डिलीवरेशंस के बाद फुल बेंच ने ये कहा है कि ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, क्योंकि उन पर कई तरह से इनडायरेक्टली जो है पब्लिक मनी खर्च होता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको ना तो चैलेंज किया कोर्ट में और ना उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करने की सोची। अमेंडमेंट का डिसीजन हो गया लेकिन उसको फिर भी जी अभी मैं आपके पास लौट के आता हूं। प्रोफेसर बिष्ट, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेसर मेठानी के साथ, मैं जो बात कर रहा हूं अभी, इस बारे में आपका क्या टेक है प्राइवेट सेक्टर को लेके और जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस बारे में, आपका जो भी राय हो उसको शेयर आप कीजिए हमारे साथ। जहां तक सूचना के अधिकार की बात है, बेसिकली इसको टारगेट किया गया है कि सूचना का अधिकार लोक प्रतिष्ठानों के खिलाफ, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हो। क्यों? क्योंकि वहां पर पब्लिक का धन है और पब्लिक पावर्स जिसके वे ट्रस्टी हैं, वो पावर का मिसयूज हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, या जो डिस्क्रिशन उनको दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन दिया है, उस डिस्क्रिशन का अब्यूज तो नहीं हो रहा है। तो पब्लिक में तो इसका जो है पब्लिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ तो ये सूचना के अधिकार की प्रासंगिकता है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता को प्राइवेट सेक्टर से इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से देश का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी रूप से, चाहे वो रोजगार से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे चिकित्सा से हो, चाहे किसी भी रूप से हो, या व्यापार वाणिज्य शॉपिंग किसी भी एंगल से, वो जो है प्राइवेट सेक्टर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल में आता है, या ही हैज टू डू समथिंग विद द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो इसलिए जब एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस माननीय बी आर कृष्णा अय्यर साहब करीब दो दशक पहले कह चुके हैं कि अब वो समय आ गया है जब जो है संविधान विदों को अपनी आंख नहीं बंद करनी चाहिए, इन प्राइवेट सेक्टर को अपने रिट ज्यूरिडिक्शन में लाने के लिए, यानी उन्होंने इशारा दे दिया। आज जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत केवल रिट जो है, रिट याचिकाएं, आदेश जो हैं सरकारी तंत्र या इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द गवर्नमेंट के खिलाफ होती हैं, लेकिन उन्होंने तब इशारा दे दिया था कि जो है प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ भी ये होना चाहिए। इसलिए जो है सूचना का प्राधिकार जो है जितना सरकारी उपक्रम के लिए प्रासंगिक है उतना ही क्षेत्र में भी होना चाहिए, आपकी राय है। अब मैं लौट के प्रोफेसर गिरिजा पांडे के पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर पांडे, मुझे याद है, मैं आपसे शेयर भी करना चाह रहा हूं आप तीनों लोगों से, कि जब सूचना का अधिकार कानून नहीं बना था तो इससे पहले काफी हलचल थी हमारे समाज में और खास तौर पे सिविल सोसाइटी में। लोग इस कानून को पास करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, जैसे प्रोफेसर मेठानी ने अभी बताया कि किस तरह से जन सुनवाई करवा रहे थे, मजदूर किसान शक्ति संगठन किस तरह से काम कर रहा था। मुझे याद है कि दिल्ली में खास तौर पे बहुत सारी मीटिंग्स हुआ करती थी जिसमें अरुणा रॉय, निखिल डे और राजस्थान से ही कविता श्रीवास्तव जो पीयूसीएल से मानवाधिकार संगठन है उससे जुड़ी हुई, नीलाभ मिश्र और सुरेंद्र मोहन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, और जस्टिस राजेंद्र सच्चर, कि ये सब लोग मिलकर के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट उसको पास करवाने के लिए, उसके लिए लॉबिंग, उसके लिए पब्लिक ओपिनियन बनाना, ये सब कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतने सालों में जब वो बन गया, गाहे बगाहे जब हमारी, मेरी भी उनसे जब एक पत्रकार के तौर पर मुलाकात होती रही है या होती है, तो
अब लेकिन उस तरह का उनको ये तो है कि ये बन तो गया, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये एक ऐसा कानून बन गया कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीजें नहीं निकल के आई। और जो निजी क्षेत्र की बात है, राजनीतिक क्षेत्र की बात है, उन क्षेत्रों में ये उस तरह से लागू नहीं हो पाया जिस तरह की लोकतंत्र में जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, एक पारदर्शिता होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। तो ये जो रिडल है न हो पाने की, ये जो गुत्थी है, जो जटिलता है, आप कैसे देखते हैं इसको प्रोफेसर गिरिजा पांडे? देखिए, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न इस समय खड़ा है आरटीआई को लेकर के। और जो हम ये छोटा सा प्रयास विश्वविद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि यदि भारतीय समाज इस तरह से शिक्षित होता चला जाएगा, उसके पास सूचनाएं होंगी, तो वो प्रेशर ग्रुप की तरह से काम करेगा, वो ओपिनियन मेकर होगा, और तब वो अपने तमाम जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि समाज या जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो ये चाहता है, वो चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए, वो चाहता है कि वो सारी सूचनाएं जो उसको शासन करने के लिए बनाई गई हैं उसकी उसे जानकारी मिले, और उसी के आधार पे वो अपना निर्णय दे, वो किसको सत्ता सौंपना चाहता है, वो किसको अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहता है, उसका नेतृत्व कैसा होना चाहिए। ये सब सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आम नागरिक इस बात को समझने लगेगा कि इतने सारे अधिकार हैं, इन अधिकारों के अंतर्गत उसको फिर से ये अधिकार प्राप्त होता है कि जाने, वो उस सूचना को प्राप्त करेगी, ठीक है कि मेरा प्रतिनिधि क्या करता है, मेरा प्रतिनिधि किस तरह से मेरा आर्थिक व्यवस्थाएं करता है, मेरे विकास की व्यवस्थाएं करता है, मुझे कौन से अधिकार देता है, मैं एक नागरिक हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं शिक्षा लेना चाहता हूं, क्या सूचना के अधिकार के माध्यम से मुझे जानकारी मिल सकती है, और तब वो प्रश्न उठा सकता है अपने विवेक का इस्तेमाल कर। जी, हमारी चर्चा काफी दिलचस्प मोड़ पे पहुंच रही है, जो हमारी राय है उसको हम एक दूसरे के साथ अभी शेयर कर रहे हैं, और हमारे श्रोता भी मेरे ख्याल से बहुत ही गंभीरता से हमारी बातचीत को सुन रहे हैं। उन्हें मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी, और आज हम बातचीत कर रहे हैं सूचना के अधिकार पर। हमारे बीच में तीन खास मेहमान हैं, प्रोफेसर जेएस बिष्ट, वो कानून के प्रोफेसर हैं, साथ में प्रोफेसर गिरिजा पांडे, वो इतिहास के प्रोफेसर हैं, और मेरे साथ में रूरल डेवलपमेंट के प्रोफेसर बीपी मेठानी साहब, और लंबे अरसे से तीनों जो प्रोफेसर हमारे बीच में हैं ये सूचना के अधिकार को लेकर काफी सक्रिय रहे हैं। अब मैं प्रोफेसर मेठानी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि जो कुछ शंकाएं हैं, जो मेरे अंदर सवाल पैदा हो रहे हैं, जो इससे पहले आपसे मैं बातचीत कर रहा था, कि जैसे जो हमारा लोकतंत्र है भारत में, अगर लोकतंत्र को देखें तो इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, वो हमारे जो लोकल बॉडीज हैं उनसे लेके हमारी असेंबलीज में, हमारे पार्लियामेंट में वो चुनाव लड़के जाती, और चुनाव जब लड़ती है तो चुनाव लड़ने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, और करोड़ों और कई बार अरबों की संख्या में पैसा खर्च, और जब पैसा खर्च होता है तो अब तक वो उसका स्रोत क्या है, वो पैसा कहां से आता है, ये अब तक कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, और वही पार्टीज उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पार्लियामेंट में जाते हैं, हमारी असेंबली में जाते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो जब हम ये बोलते हैं कि ये चीज लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, कि जो लोकतंत्र के मूल रखवाले ही हैं, अगर उन्हीं में इस तरह के शक संदेहों से वो घिरे हों तो हमारे लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा, तो मैं जानना चाह रहा था कि जो राजनीतिक पार्टीज को इससे अलग रखने की कोशिश हो रही है या वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसके और क्या क्या खतरे आपको लगते हैं? यही तो मुख्य बिंदु था जिसमें ये बहस चल रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो है आरटीआई के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, और एडीआर इसके लिए लड़ रहा था, और हमारा इलेक्शन कमीशन भी इसकी पैरवी कर रहा था, और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने अपना डिसीजन दे दिया था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है पब्लिक अथॉरिटीज है, उन पर पब्लिक मनी खर्च होता है। लेकिन जानते हैं आप कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी न किसी बहाने अभी इससे बाहर अपने को रख रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन इस तरह से हो पाएगा। अल्टीमेटली उनको ये मालूम हो गया है कि अब इसके बारे में काफी जागरूकता जनता में फैल गई है। जो आप कह रहे थे कि अभी तक जो है कोई विशेष इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है, इतने लोगों ने संघर्ष किया, सब कुछ किया, अभी तक हो नहीं रहा, उसकी मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार अपने को इससे दूर रखना चाहती है। आरटीआई को सरकार एक विपक्ष का रूप में देखती है, और खास करके आरटीआई एक्ट में एक प्राविधान किया गया है कि सरकार इसके प्रचार प्रसार के लिए जनता में कि भाई सूचना का अधिकार कानून आया है, इसमें आप जो है अपने आपकी जो भी समस्या है उसके बारे में सूचना मांग सकते हैं, किस तरह से मांगते हैं, इसके अवेयरनेस आप क्रिएट करेंगे। उस पर सरकार ने अभी तक 11-12 साल हो गए एक पैसा खर्च नहीं किया है। 10 साल जब पूरे हुए थे, हमने एक अध्ययन किया था उत्तराखंड में, तो हमने देखा कि आरटीआई के बारे में जो एप्लीकेशंस आई हैं आयोग में, खास करके जो आयोग में जो कंप्लेंट्स आई हैं या वहां पर जो अपील्स आई हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों से सिर्फ 27% था, 63% अर्बन एरिया से था। उसमें भी जो मेल जो था उनका डोमिनेशन था वो 87% थे, और बाकी 13% जो है फीमेल का था, बीपीएल का 2% था। तो इस तरह से जो अभी तक जो इसके बारे में जानकारी नहीं हुई है,
लोगों तक इसकी सूचना नहीं दी गई है, लोगों को अभी इम्पावर नहीं किया गया है कि सूचना का अधिकार एक कानून है जो आपके पास है जिससे आप सरकार के बारे में, उनके कार्यक्रमों के बारे में पूछ सकते हैं। तो जब ये हो जाएगा, और हमारा मुख्य उद्देश्य आरटीआई क्लब का ये है कि इसके बारे में हम आजकल जो है हम डिबेट करवाते हैं कॉलेजेस में, अभी हमारी अब डिबेट शुरू हो रही है, हम निबंध प्रतियोगिता कराते हैं, हम चित्रकला प्रतियोगिता स्कूलों में करवाते हैं ताकि उन लोगों में आरटीआई के बारे में। तो उससे क्या होता है, हम चाहते हैं कि थ्रू स्टूडेंट्स उनके टीचर्स पे पढ़ेंगे, जब वो कहेंगे भी हमको तैयार होना है, फिर वो उनके पेरेंट्स को भी उनको जागरूकता होगी। तो इस तरह से हम भी चाहते हैं कि आरटीआई के बारे में जब घर घर में इसके बारे में जानकारी होगी तब जाके दबाव सरकार, जब ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन आने लगाएगी सब तो एक प्रजाता में। ऐठानी साहब, ये जो कदम आपका है बहुत अच्छा, आप लोग उत्तराखंड जैसे राज्य में भी बहुत ही पूर्ण काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड में ये सूचना के अधिकार को लेके जो लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसी संस्थाएं हैं, और सचमुच में हमारे यहाँ पर क्या हालत है सूचना के अधिकार कानून की, या फिर उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या क्या रिजल्ट उसके हाल के सालों में देखने को मिले? ऐसा है कि उत्तराखंड में सूचना के अधिकार कानून का जो शुरुआत हुई थी बहुत अच्छी हुई थी। हम जो है देश में दूसरे तीसरे नंबर की स्टेट थी जब 2005 में, या 5-6 साल तक जो है यहाँ पर बहुत अच्छा कानून, बहुत अच्छी तरह से इसकी तैयारी हुई और काफी एंथुसियाज्म था, और हमने ये देखा कि जो अधिकारी लोग भी थे वो काफी पॉजिटिव थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली धीरे 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 जो है इसके प्रति लोगों का रुझान जो थोड़ा कम हुआ। इसमें कार्य करने वाले तो इंडिविजुअल्स बहुत हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जो लोग जो है अपने इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक ऑर्गेनाइज्ड वे है उसमें बहुत कम है। अभी एक पहला जो हमारे जो आरटीआई क्लब है, हमारे करीब 500-600 सदस्य हैं जो सभी जिलों में फैले हुए हैं, सूचना मांगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनको हतोत्साहित किया जाता है, उन पे मुकदमे लगाए जाते हैं, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, उनको थ्रेट्स मिलती हैं, उन पे असॉल्ट किया जाता है। देवभूमि में 4 आरटीआई एक्टिविस्ट ने अपनी जान दे दी है, उनका मर्डर हो चुका है। ये कौन कौन से जिले में हुआ है? ये हुआ है, एक तो ये सबसे पहले हरिद्वार में हुआ है, फेरूपुर में, उसके बाद काशीपुर में हुआ है, फिर पौड़ी में हुआ। अगर आपको याद हो तो किस तरह के केसेस थे ये भी आप शेयर कर सकते हैं। केसेस यही थे कि वो जो गंभीर भ्रष्टाचार, देखिए खतरे बिल्कुल, जो खतरा कहाँ पैदा होता है, छोटे मोटे कॉलेज स्कूलों में या ऑफिस में जो छोटे मोटी चीजें हैं कि इसको पेंशन नहीं मिली, या इसका जो मेडिकल क्लियर नहीं हुआ है, इसका जो ट्रांसफर टीए नहीं, उसको उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है और उच्च अधिकारी जहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं या बड़े बड़े नेता जहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर खतरा पैदा। जी प्रोफेसर गिरिजा पांडे, आपको जोड़ना चाह रहे हैं, चूंकि बहुत ही रोचक बातचीत हो रही है इस समय में। प्रोफेसर मेठानी, चूंकि आप आरटीआई को बहुत गंभीरता से एक तरह से जीवन में उतार रहे हैं, मैं एक प्रश्न जरूर जरूर सामने रखना चाहता हूं कि कई बार जो प्रश्न करता है या कई बार उसको उत्तर देने वाला जो लोक सूचना अधिकारी है ये कहीं पर फंस जाते हैं। जो प्रश्न करने वाला है उसको ये नहीं मालूम है कि मुझे किस तरह के प्रश्न करने चाहिए, या जो उत्तर देने वाला है उसको ये अंदाजा नहीं रहता है कि उनको किस तरह की सूचनाएं देनी है। तो ये इस तरह की कठिनाइयां आपने देखी होंगी और शासन स्तर पे भी इसको लेकर के शिकायतें आती रही होंगी, सब बहुत अजीबोगरीब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन पे सही निर्णय नहीं आ रहे हैं, तो इस पे आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? ये बहुत बड़ी समस्या है, आपने सही प्रश्न उठाया है और इसके दो पहलू हैं। पहली चीज तो यह है कि चूंकि सरकार ने जनता में जागृति पैदा करने के लिए कि ये क्या कानून है, इसका प्रयोग किस कहां होना चाहिए, किस पर्पज से होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में कोई काम नहीं किया है। हमने कहा था कि भई इसमें सेक्शन 26 में कहा गया है कि सरकार जनता को जागृत करेगी इसके बारे में, लेकिन हमने कहा भाई इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो एनजीओ का काम है, इसको सरकार ने, हमने कहा भी तो कानून सरकार, मतलब कानून कहता है सरकार के, उन्होंने कहा ये तो एनजीओ, हमने कहा एनजीओ को हम ट्रेन करें ताकि जनता को ट्रेन करेंगे, उन्होंने कहा तो कानूनी एनजीओ लाए हैं इसलिए एनजीओ को ट्रेन करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब सरकार नहीं चाहती कि जनता में इसकी जागृति हो, इसके बारे में जानकारी हो, दैट इज नंबर वन। इसलिए क्या होता है कि सही ढंग से प्रश्न नहीं पूछे जाते जनता को, जब तक ये नहीं पता है कि किस तरह से क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, वो किस तरह से पूछना चाहिए, तो अंडरस्टैंड अपने हिसाब से लोग पूछते हैं, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सरकार ही प्रॉब्लम फेस कर रही है लेकिन उसका समाधान नहीं ढूंढ रही है। दूसरा, जो उनके अधिकारी शुरू शुरू में ट्रेनिंग हुई, एटीआई में ट्रेनिंग हुई थी, हमने देहरादून में भी काफी ट्रेनिंग की थी, तो शुरू शुरू में 2-3 साल बहुत अच्छा चला, लेकिन अब जो है सरकार थोड़ा वो हो गई है और जो नए जो लोग सूचना अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं, जो उनको डिजिग्नेट
किया जा रहा है उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। ऐसे ऐसे मतलब उसके जवाब देते हैं, पता चलता है इनको आरटीआई के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैठाणी साहब ये पता नहीं है ये बात है या वो जानबूझकर उलझाना चाहते हैं, सूचना नहीं देना चाहते हैं? उनके जो है ट्रेनिंग नहीं हुई, इसलिए हमें इसके जो एफर्ट यहाँ पर हो रहा है कि जो एक डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जा रहा है इसको, ये फ्री है सबके लिए, मतलब इसमें सरकारी गैर सरकारी सब लोग इसको ले सकते हैं। लेकिन इससे ये लाभ होगा कि जो लोग सरकार में इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं उनको कम से कम जानकारी तो होगी कि भाई एक्ट क्या है, इसमें किस तरह से इसको हाउ टू हैंडल आरटीआई रिक्वेस्ट जो आ रही है उसको किस तरह से उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, किस तरह उसका जवाब आना चाहिए। ये नहीं कि आप एक्ट कुछ कहते हैं और आप कुछ और कह रहे हैं। तो इसके बारे में जितनी ट्रेनिंग हो, जितनी जानकारी हो, जितने इस तरह से वर्कशॉप प्रोग्राम्स वगैरह हो, उतना फायदा होगा। और खास करके जनता में इसकी जानकारी ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये हो कि भाई वो सही ढंग से इसका प्रयोग करें और उससे सरकार को भी लाभ। प्रोफेसर मैठाणी, मैं एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल जो हमारे जो सुन रहे हैं अभी या हमारे जो विद्यार्थी भी हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े, उनके लिए भी काफी फायदेमंद हो सकती है कि अगर कोई एक सिटीजन हमारा, कोई एक इंडिविजुअल आरटीआई के तहत कोई सूचना पाना चाहे तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे वो आगे बढ़ता है, अगर ये बता देंगे तो मेरे ख्याल से ये सीधे सीधे हम श्रोताओं को अभी बता देंगे कि आप भी कोई भी ऐसी सूचना जो सरकार आपसे छिपाना चाह रही हो या कोई भी ब्यूरोक्रेट आपसे छुपाना चाह रहे हो उसको आप लेके आ सकते हैं, ये आपका अधिकार है और ये लोकतंत्र में आपके पास सूचना होना एक काफी लोकतंत्र को मजबूत करेगा। कैसे? देखिए ये तो एक सामान्य जानकारी हो गई क्योंकि 10-11 साल जो है आरटीआई एक्ट हो गए हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आरटीआई एक्ट में सेक्शन 6 जो कहता है कि किस तरह से आपको सूचना मांगनी, उसमें कहा गया है कि कोई भी नागरिक अगर किसी भी विभाग से किसी भी विषय पर कुछ जानना चाहता है, उसको उत्सुकता है कुछ जानना चाहता है, तो हिंदी या अंग्रेजी या स्थानीय जो राजभाषा है उसमें अपने एप्लीकेशन लिखेगा और जो उस विभाग का जो लोक सूचना अधिकारी डिजिग्नेटेड है उसको वो एड्रेस करेगा और उसके साथ जो है ₹10 उत्तराखंड में जो है ₹10 एप्लीकेशन फीस है, ₹10 का एप्लीकेशन फीस देगा। वो कई तरह से दी जा सकती है, वो आप पोस्टल ऑर्डर दे सकते हैं, आप नगद भी दे सकते हैं, आप बैंकर्स चेक से भी दे सकते हैं, तो कई तरह से आप उसको दे सकते हैं। आप एप्लीकेशन के साथ ही भेजना होता है, एप्लीकेशन के साथ उसको लगाना, जब तक वो एप्लीकेशन फीस नहीं गई तब तक वो एप्लीकेशन आरटीआई एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। वो एक अच्छी चीज है कि कम से कम उससे एक बाध्यता पैदा होती है कि भाई एक एप्लीकेशन फीस आ गई, अभी आरटीआई एप्लीकेशन इसको 30 दिन के अंदर हमको इसका जवाब देना है। जब तक वो फीस नहीं दी तब तक वो 30 दिन की बाध्यता उसमें नहीं रहती, वो कहेगा अभी आपने एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस जो है संलग्न कर दीजिए और उसको आप उस लोक सूचना अधिकारी को दे दिए और तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30 दिन के अंदर आपको जरूर उसका जवाब। प्रोफेसर मैठाणी, हम जो बातचीत कर रहे हैं सूचना के अधिकार पर, तो क्योंकि हल्द्वानी में हमारी जो कम्युनिटी है वो काफी डाइवर्स कम्युनिटी है और उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग तो मैं समझता हूँ कि आज की हमारी बातचीत से पहली बार सूचना के अधिकार कानून के बारे में जानकारी ले रहे होंगे, इसलिए जो भी बातें आपने हमसे शेयर की वो उनके लिए काफी उनको एनरिच करेंगी, उनको समृद्ध करेंगी, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर उनको जागरूक करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। अब मैं प्रोफेसर बिष्ट साहब आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये सैद्धांतिक सवाल भी और व्यवहारिकता में ज्यादा जटिल हो जाता है। जैसे हमारे संविधान के मुताबिक अगर देखें, हमारे पास जिसका इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक हमारे पास है जिसमें कई सूचनाओं को दबाने का छुपाने का अधिकार सरकार ब्यूरोक्रेट्स या ऐसे अलग अलग विभाग अपने पास रख लेते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो हमने पास कर लिया है। इन दोनों के बीच का जो द्वंद्व है उसमें हमारा लोकतंत्र कहां फंसा हुआ है, जरा इसको हमें बताइए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है ये सरकारी तंत्र में जो भी जानकारी दस्तावेज या सूचनाएं हैं उनको गोपनीय बनाने रखने के लिए एक सक्षम कानून था। ये कानून जो है कॉलोनी हमारी औपनिवेशिक विरासत का जो ये कानून है ये हमारी औपनिवेशिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत, और यानी ये अधिनियम देश के नागरिकों को वो सारी चीजों की जानकारी देने से रोकता है या उस जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए रोकता है। इसके विरोधाभास में जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है ये जो है इस अधिनियम की खिलाफत में, करीब करीब यूं कह सकते हैं इस अधिनियम की खिलाफत में, इसने एक नया समीकरण जो है भारतीय विधिक पटल पर एक नया समीकरण स्थापित किया है कि इसके द्वारा जो गोपनीय कल्चर ऑफ सीक्रेसी को तोड़ करके, कल्चर ऑफ सीक्रेसी को छोड़ करके,
कल्चर ऑफ ओपननेस, कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात करिए, ताकि जो है प्रत्येक नागरिक के पास अधिक से अधिक सरकारी सूचनाएं, अधिक से अधिक आंकड़े या अधिक से अधिक जानकारियां उसको मिले। विस्तार ये देखिएगा कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलाने में कैसे चल रही है, किसकी मंशा है, हाँ, है, कौन इसमें रुकावट डाल रहा है। रुकावट कोई नहीं डाल रहा है। ये आरटीआई एक्ट जो है, ये आरटीआई एक्ट जो है एक ओवरराइडिंग एक्ट है। इट ओवरराइड्स अ नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द सीक्रेसी एक्ट को, ठीक है। तो यानी ये प्रीडोमिनेंट एक्ट है, ये एक्ट जो है ओपन गवर्नमेंट, ओपन गवर्नमेंट। आपसे अगर ओपन गवर्नमेंट आपसे मैं पूछूं, हाँ, तो फिर क्या, हाँ, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसको रिपील करना, इसको खत्म करना, इसको बंद कर देना, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए? बंद कर सकते हैं, लेकिन जो है ठीक है, जहां तक इसकी भी उपयोगिता है वहीं तक, जहां तक जो इन्फॉर्मेशन, हालांकि जो है सेक्शन 8 के तहत उनको जो है निषिद्ध कर दिया गया है वो भी यहां है, अगर इसको रिपील भी कर दिया जाता है तो हमारा आरटीआई एक्ट का जो आपका एग्जेम्पशन वाले प्रावधान है वो उस उद्देश्यों को पूरा करते हैं। जी, अगर आप लोग एक मुझे, अगर आप लोग अपनी कोई भी बात जो छूट गई हो, अब अगर आप लोग कोई भी अपनी बात शेयर करना चाहें, क्योंकि हम अपनी बातचीत के अंतिम चरण की तरफ हैं। हाँ, आप प्रोफेसर गिरिजा पांडे, आप कुछ। जब हम ये सारी बात कर रहे हैं, मैं फिर से एक बार प्रोफेसर बीपी मेठानी के से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी हो सकता है। जब कोई भी व्यक्ति सूचना चाहता है, आरटीआई एक्ट सूचना को किस तरह से उसकी व्याख्या करता है, आखिर वो कौन सी सूचना होगी? सूचना कई बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ऐसे भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो काल्पनिक होते हैं, या जिन प्रश्नों का कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट्री इविडेंस नहीं होती, जिसमें ओपिनियन मांगी जाती है। और बहुत सारे आरटीआई एप्लीकेशंस जो लोक सूचना अधिकारी हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि साहब इसमें ओपिनियन मांगी गई है, तो क्या आरटीआई अधिनियम में ओपिनियन दी जा सकती है, या आरटीआई ओपिनियन में सूचना का क्या तात्पर्य? ऐसा है, इसके पीछे भी वही कारण है कि हमने जनता को बताया नहीं है कि क्या आप किस तरह से सूचना मांग सकते हैं, ओपिनियन मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि आप बता नहीं रहे हैं, इसलिए इस तरह से प्रश्न आपके सामने आते हैं। ये इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो सूचना धारित है किसी भी लोक प्राधिकारी की या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स में, किसी भी फॉर्म, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फाइल्स में हो या किसी में भी हो, जो इन्फॉर्मेशन है, जो रखी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को आप मांग सकते हैं और उसके लिए आप मना नहीं कर सकते। सिर्फ ओपिनियन जो है, ओपिनियन तो पीआईओ कैसे ओपिनियन देगा, पब्लिक सरकार की जो पॉलिसी है उस पर एक लोक सूचना अधिकारी बेचारा अपने ओपिनियन नहीं दे सकता है, वो कोई सूचना नहीं होती है। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन विच आर अंडर द कंट्रोल, अंडर द पजेशन ऑफ दैट पब्लिक अथॉरिटी, उनके रिकॉर्ड में है, उसके पास है, किसी भी रूप में अगर कोई कहे कि जो आपका जो कंप्यूटर है उसके हार्ड डिस्क में जो कुछ है आप मुझे, मैं फ्लॉपी दे रहा हूँ, आपको देना पड़ेगा, बिकॉज दैट कंप्यूटर इज पब्लिक प्रॉपर्टी। इसलिए हमें कहते हैं भाई पर्सनल चीजों को आप अपने पब्लिक सरकारी कंप्यूटर में मत रखिए। एनीबॉडी कैन कम एंड से कि जो कुछ भी हार्ड डिस्क में है आप हमको दे। सो वट एवर इज हेल्ड इन वट एवर फॉर्म दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी सॉर्ट। अब आपने जो कहा है कि इसमें लोग अंडरस्टैंड सवाल पूछते हैं, कहा प्रश्न उठता है, कभी कभी लोग कहते हैं मिस यूज ऑफ आरटीआई। हम ये मानते हैं कि आरटीआई का कभी मिस यूज नहीं हो सकता है, देर इज नो स्कोप फॉर मिस यूज ऑफ आरटीआई, क्यों? इसमें जो है पब्लिक इंटरेस्ट की सूचना मांगनी है, सरकारी विभागों से मांगनी है, और जो सूचना जनता के हित से जुड़ी हुई है, जनता के काम की सूचना है, वही मांगी जानी है, इसलिए मिस यूज नहीं हो सकता है। और जहां पर मिस यूज होता है इसका मतलब वहां पर कुछ गड़बड़ है, या तो जो सूचना मांग रहा है उसको पूरी जानकारी नहीं है कि किस तरह से मांगनी है, और या तो सूचना देने वाला जो है उसने कुछ ऐसा गलत काम किया हुआ है कि उसको लगता है कि मैं कैसे दूं, मैं फंस जाऊंगा जी, तो वहां पर ये कहते हैं ब्लैकमेलिंग। तो हम ये कहते हैं कि जहां पर ब्लैक होगा वहीं तो ब्लैकमेलिंग होगी भाई, तो आप ब्लैक मत कीजिए, इसीलिए तो एक्ट आया है कि आपने वो जी, आपने आपने बहुत अच्छी बात कही। और अब हम अपनी बातचीत के आखिरी चरण की तरफ हैं। प्रोफेसर बिष्ट, अगर आपको लगता है कि कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं आखिर में, और जो बात छूट रही हो, तो आप उसको हमारी बहस में, चर्चा में लेके आ सकते हैं। यहाँ पर जो है सूचना के अधिकार को और कारगर बनाने के लिए सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि इसे जो है आम व्यक्ति तक इसको पहुंचाएं, इसकी जानकारी दें, इसको प्रमोशन करें, ठीक है। और यहां तक कि जो है जो हमारे सूचना अधिकारी हैं या सहायक सूचना अधिकारी हैं उनको प्रॉपर या आवश्यकी जो है ट्रेनिंग भी, उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि जो है वो कैसे इन आरटीआई को टेकअप करें, और अगर कोई इलिटरेट पर्सन आ रहा है, असाक्षर
कुशल व्यक्ति आ रहा है उसको किस तरह मदद करे कि वो ताकि प्रॉपर आरटीआई से सूचना मांग सके, तो इस ओर सरकार का कार्य या सरकार का सहयोग अपेक्षित है। और एक बार अगर सरकार इस दिशा में कार्य करती है तो जो है सूचना का अधिकार एक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा टूल इस प्रजातांत्रिक शासन में होगा। बहुत अच्छा। तो आखिर में जाते जाते मैं एक बात अपने श्रोताओं से भी और आप सबसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि आज का जो दौर है हमारा, एक पत्रकार मैं रहा हूँ हमेशा, तो मैं जिस तरह से पत्रकारिता में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इसकी मदद से हमारे कई साथियों ने ऐसी ऐसी स्टोरीज गवर्नमेंट के अंदर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर से निकाली है कि जो पूरा हेडलाइन बनी है हमारे देश में, तो पत्रकारिता में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का बहुत बड़ा एक इस्तेमाल हमारे पत्रकार दोस्तों ने भी लगातार किया है। और इसके इतर वाइंड अप करने की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, तो एक और बात जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में जिस तरह से सूचनाओं का आक्रमण हो रहा है, सूचनाएं अवेलेबल हैं, जो नहीं भी हम सूचना चाहते वो भी हमारे पास आ रही है, वहीं ठीक दूसरी तरफ जो सूचना हमें मिलनी चाहिए हमारी सरकारों से जो हमें गवर्न करते हैं या जो भी हमारे समाज में इन्फ्लुएंशियल पोजिशंस में है उनकी सूचना मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है। ये एक गतिरोध बना हुआ है और ये हिंदुस्तान में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में है। इसलिए दुनिया में हम देखते हैं कि जैसे एडवर्ड स्नोडन नाम से और जूलियन असांज नाम से ये सब लोग जो काम कर रहे हैं, विकीलीक्स नाम की परिघटना हो रही है, जो सीक्रेट्स हैं सरकारों के उसको बाहर लेके आ रही है, तो ये द्वंद हमारे आज के समाज में, आज की सरकारों के सामने है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ने हिंदुस्तान में जो सीक्रेसी एक तरह से उसको ब्रेक करके सूचनाओं को मुहैया कराने की दिशा में, आम नागरिकों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। ये कुछ चीजें मैं जोड़ना चाह रहा था। आप तीन विशेषज्ञ सूचना के अधिकार के या सूचना के बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए। मैं प्रोफेसर बीपी मैठानी आपका, प्रोफेसर गिरिजा पांडे आपका और प्रोफेसर बिस्ट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ हेलो हल्द्वानी के आज इस खास प्रोग्राम में मैं भूपेंद्र सिंह अपने श्रोताओं से विदा लेता हूं। मैं अपने श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी तरफ से बोलना चाहता हूं। शुक्रिया।